गुजरात के खेड़ा में गरबा कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। खेड़ा जिले के उडेला गांव में गरबा पर हुए पथराव के बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद आरोपियों को पुलिस गांव में लेकर आई और खंभे से बांधकर उनकी बारी बारी से जमकर पिटाई की। इसके बाद आरोपियों से हाथ जोड़कर लोगों से माफी मंगवाई। दरअसल देर रात दूसरे समुदाय के लोग जबरन एक गरबा कार्यक्रम में घुस गए थे। महिलाओं से बहसबाजी करने के बाद उन्होंने वहां हमला कर दिया था। इस घटना में कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आपको बता दूं कि इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद है जहां पे खेड़ा जिले का ये गांव है, जहां पे कल रात को गरबा खेला जा रहा था। और आपको दिखाते हैं, ये मंदिर है जहां पे ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है, जहां पे ये गरबा खेला जा रहा था। और उसके ठीक बगल में यहां पे आप देख सकते हैं ये मदरसा है, जहां पे कल रात जो कुछ लोग हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गरबा नहीं खेल सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी गरबा यहाँ पे जारी रहा, तो दोनों गुटों के बीच में पहले तो बोलचाल हुई और उसके बाद अचानक से ऊपर की साइड से पथराव होने शुरू हो गए, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। और इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इस पूरे गाँव के अंदर फिलहाल माहौल काफी तंग बना हुआ है। पुलिस जो है वो पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, क्योंकि लगातार गुजरात के अंदर नवरात्रि के मौके पर इस तरीके से अगर वारदात होती है, चाहे वो खेड़ा हो, वडोदरा हो, सूरत हो, हर जगह पर इस तरीके की अगर वारदात होती है, और वैसे में चुनाव भी 2 महीने के अंदर होने हैं, तो पुलिस जो है वो फिलहाल, हालांकि माहौल तनाव भरा है, लेकिन शांति बनी हुई है। यहाँ पे गरबा को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ था। जो मातर पुलिस स्टेशन है उसका उंडेला गाँव है, वो गांव में रात को जब नवरात्रि का त्यौहार सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। और जो गांव के लीडर्स हैं उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई की, लेकिन वो लोग माने नहीं और उनके साथ झगड़ा करने लगे और फिर थोड़े दूर जाके पत्थर मारा स्टार्ट किया, दो स्टोन पेल्टिंग किया, उसमें बहुत 6-7 लोगों को छोटी मोटी इंजरी हुई है, उसकी अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू है। गुजरात में चुनावी माहौल है और जब से नवरात्रि की शुरुआत हुई है तब से गरबे में कोई न कोई हंगामे, मारपीट या फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। अब मातर में हुई ताजा घटना भी नवरात्रि के उत्सव के दौरान ही हुई है, जिससे गाँव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, लेकिन पुलिस ने फौरन ही एक्शन लेकर फिलहाल मामला शांत कर दिया है।